तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो हम लोग को क्या मिलता है। ये कहते हैं इसमें से कौन सा डाइमेंशनली करेक्ट है। तो पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का बच्चों एल का स्क्वायर। तो ये बनेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो दिस इज द डाइमेंशनल फार्मूला प्रेशर, मतलब इस साइड जो है वो प्रेशर ही आएगा। तो अब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं ए ऑप्शन। क्या फोर्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, वॉल्यूम का होता है एल की पावर क्यू। तो ये बना फर्स्ट ऑप्शन एम एल की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो बी चेक करते हैं मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम मतलब मोमेंटम पी, मोमेंटम को मतलब एम बी से लिखते हैं, और पर यूनिट टाइम टी, तो मास और ए एल टी माइनस वेलोसिटी, एल टी माइनस वन टी, और ये आ जाएगा टाइम, टाइम को हम टी से, डायमेंशनल फार्मूला टी, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो ये बी ऑप्शन भी मैच नहीं किया, प्रेशर के बराबर आना चाहिए, तो बी भी गलत है। सी को चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एनर्जी का होता है एम एल टी माइनस टू एम एल स्क्वायर, वर्क एनर्जी को पता ना वर्क के बराबर होता है, और एल की पावर क्यू। तो ये आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो ये मैच कर गया, दैट्स वाई द सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।